नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना खबरें देते रहे। दोस्तों, खेल जगत में भी अब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई देने लगा है। पुलवामा में 40 CRPF जवानों के शहीद होने के बाद जहां एक ओर भारतीय खेल जगत उनके साथ खड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर अब पाकिस्तानी टीम के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगी है। जहां एक ओर डी स्पोर्ट चैनल ने पाकिस्तान लीग को भारत में प्रसारण होने से इनकार कर दिया है, तो वहीं इस साल होने वाले ICC वर्ल्ड कप 2019 में भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से हटने की मांग की जा रही है। दोस्तों, मुंबई क्रिकेट के एक अधिकारी का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस जून में होने वाले अपने विश्व कप मैच का बहिष्कार करना चाहिए। हमलावरों ने गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के एक दस्ते को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली है। भारत और पाकिस्तान 2013 से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वे तटस्थ मैदानों पर अन्य टूर्नामेंट जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और एशिया कप 2018 एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। दोनों देशों को 16 जून को मैनचेस्टर में विश्व कप का मुकाबला खेलना है। दोस्तों, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCCI के सचिव सुरेश बाफना ने कहा कि हम हमारी सेना और CRPF जवानों के खिलाफ की गई आतंकी गतिविधियों की निंदा करते हैं। हालांकि CCCI एक खेल संघ है, लेकिन खेलों से भी पहले देश आता है। वहीं BCCI के एक शीर्ष पदाधिकारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ICC का टूर्नामेंट है, हमें कोई फैसला लेने से पहले हर जांच परख करनी होगी। सभी राज्य क्रिकेट संघों के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति CAO को भी इस बारे में मनाना होगा। दोस्तों, CCCI और पंजाब क्रिकेट संघ के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ RCA और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने भी अपने यहां से पाकिस्तान क्रिकेटरों की फ़ोटो हटा दी है। DDCA ने एक अधिकारी ने बताया कि हमने सोमवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में लगी वसीम अकरम, आसिफ इकबाल, इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, जावेद मियांदाद, वकार यूनिस सहित करीब एक दर्जन पाकिस्तान क्रिकेटरों की तस्वीर हटा दिया है। RCA के संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर ने कहा कि हमने इमरान वसीम, शोएब मोहम्मद आसिफ और वकार यूनिस सहित सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें सवाई मानसिंह स्टेडियम से हटा दी है। हम भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। CCCI पहले ही मुंबई में ब्रेबोन स्टेडियम के रेस्टोरेंट में लगी पाकिस्तान के पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के चित्र को ढक चुका है। वहीं पंजाब क्रिकेट संघ ने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए मोहाली स्टेडियम में लगी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरों को हटा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।